जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे इमर्जिंग फर्स्ट T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच वंडरर्स के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 2:30 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं क्या करूँगा आपको बताया। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 5 अप्रैल को नामीबिया वर्सेस युगांडा के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर ना जो पिच रहेगी वो यहाँ पर न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी। तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों आमतौर पर ना जो पिचेस होती है नामीबिया कंट्री के अंदर, ये पिच दोस्तों बैट्समैन फ्रेंडली होती है। यहाँ पे बैट्समैन को दोस्तों बैटिंग करने में मजा आता है, प्लस यहाँ पे ना पेसर्स को मतलब तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना वंडरर्स के ऊपर नामीबिया ने आज तक 25 मैच खेले और दोस्तों 9 मैचेस जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विनिंग रेट थोड़ा सा कम है। अब देखो यहाँ पे इस साल 3 मैचेस हुए थे नामीबिया वर्सेस युगांडा की, 3 T20 मैच की सीरीज हुई थी। तो उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको पता है नामीबिया ने 3 मैच खेले थे, ठीक है, और तीनों दोस्तों बैट फर्स्ट खेले थे और 3 के 3 मैच यहाँ पे जीती थी, ठीक है। तो बैट फर्स्ट करने वाली टीम 3 के 3 मैचेस जीती है। एवरेज स्कोर 152-180 आपको बनता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 24 विकेट निकाले। पहली पारी में दोस्तों 11 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे 13 विकेट्स है। अब देखो किस टाइप के दोस्तों पे पेसर्स विकेट निकालते हैं। राइट आर्म पेसर्स यहाँ पर 12 विकेट है और दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर्स भी 12 विकेट है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो नामीबिया की टीम है ना उसके अंदर लेफ्ट आर्म पेसर्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर्स भी राइट आर्म पेसर्स के बराबर ही हैं। अब देखो यहाँ पे स्पिनर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्पिनर्स ने ना लास्ट 3 मैचेस के अंदर 5 ही विकेट निकाले। पहली पारी में 2 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 3 विकेट है। आप देखो किस टाइप के स्पिनर्स दोस्तों यहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 4 विकेट निकाले और दोस्तों लेग स्पिनर ने 1 विकेट निकाला है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट मैच में क्या हुआ था, जो हुआ था 5 अप्रैल को इस वेन्यू के ऊपर नामीबिया वर्सेस युगांडा के बीच में 3rd T20 मैच था। तो उस मैच के अंदर यहाँ पर 10 विकेट निकाला था तेज गेंदबाजों ने, पेसर्स ने, और 2 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। और दोस्तों यहाँ पे सनी वेदर रहेगा, बारिश के बहुत कम चांसेस है। आप खुद दोस्तों यहाँ पे गूगल के ऊपर जाके वेदर फोकास्ट चेक कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे नामीबिया कंट्री के अंदर यह मैच है, विंडॉक जगह है, ठीक है, वंडरर्स स्पोर्ट्स ग्राउंड करके स्टेडियम का नाम है, ठीक है। तो आप देखो ये मैच वहाँ पर 11 बजे स्टार्ट होगा, अपने से 3.5 घंटे पीछे है साउथ जो ये नामीबिया कंट्री है वहाँ की टाइमिंग। तो यहाँ पे दोस्तों बारिश के बहुत ही कम चांसेस है, मेरे को लग ही नहीं रहा यहाँ पे बारिश होगी करके 10-15 दिन तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना दोस्तों, आपकी डिमांड थी यहाँ पे इस मैच को कवर करना है। तो दोस्तों बस अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, वही कहूँगा कि दोस्तों मेहनत बहुत लगती है। आप खुद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितने बजे तक काम करा था इसके अंदर, 14 तारीख को 8वां महीना 2021, और दोस्तों 2:19 को मैं रात को दोस्तों पूरा काम करके सोया था। फिर दोस्तों अभी देखो कितने बज रहे हैं, सुबह के 5:30, तो आप समझ सकते हो दोस्तों 2-3 घंटे की सिर्फ नींद लेता हूँ मैं, तभी भी दोस्तों वही कहता है ना कि चलता रहता है लाइफ के अंदर। बस मैंने दोस्तों आपके सामने हमेशा करूँगा ट्रांसपेरेंसी रखने की दोस्तों हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सामने। स्टेप इन बरार दोस्तों ओपन करेंगे नामीबिया की तरफ से किसके साथ, क्रैग विलियम्स के साथ। और दोस्तों हो क्या सकता है कि जने ग्रीन भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत कम चांसेस है। आमतौर पर ना ODI के जो मैचेस होते हैं ना, ODI के 50 ओवर के मैचेस, उसमें ओपन करते थे स्टेप इन बराड के साथ, पर यहाँ पे T20 के अंदर क्रैग विलियम्स ओपन करते हैं। 1 डाउन को आएंगे इस टीम के कप्तान साहब, एरमस आएंगे, ये भी दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर है, एरमस करके इनका नाम है, गैरड करके, राइटी बैट्समैन है। और दोस्तों मैंने छोटा क्यों लिखा ऑफ स्पिनर, क्योंकि बहुत कम बॉलिंग कराते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कभी कभार बॉलिंग करा ले। फिर आएंगे ऐसे JJ Smith, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों, राइटी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। फिर आएंगे यहाँ से माइकल वन लिगन, ये राइट लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर और दोस्तों बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। फिर आएंगे यहाँ से माइचल डुप्रीज, ये दोस्तों राइटी बैट्समैन है और पार्ट टाइम लेग स्पिनर है। जेने ग्रीन आएंगे यहाँ से, राइटी बैटिंग करते हैं। जेन फर्लिंग आएंगे, ये दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। रूबेन ट्रिपल मैन आने चाहिए यहाँ पे, लेफ्ट आर्म फास्ट है। तो आप समझ सकते हो इस टीम में दोस्तों कितने लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं। फिर आएंगे यहाँ से
बर्नर्ड स्कॉल्ट्स करके, ये दोस्तों इस टीम के सबसे मेन स्पिनर माने जाते हैं। बेन शिकोंगो आएंगे एज ए राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलर है। तो दोस्तों इस टीम के प्रमुख गेंदबाज बताऊँ कौन रहेंगे, एक तो ये स्कॉल्ट्स करके हैं, एक तो शिकोंगो है, फिर यहाँ पे आपको जैन फर्लिंग दिखेंगे और जेजे स्मिथ दिखेंगे। चार दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बॉलर इस टीम के। चलते हैं आप एक इसकी तरफ, जिम्बाब्वे इमर्जिंग की तरफ। तो आप देख सकते हो इस टीम के अंदर कम से कम 5 से 6 प्लेयर अंडर 19 के लिए गए हैं, जो जिम्बाब्वे अंडर 19 की टीम थी ना उसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रायन चारी, ये दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, एक तो मतलब आमतौर पर ना जिम्बाब्वे के लिए खेल चुके हैं। चोमुची देख सकते हो आप यहाँ पे, चिबाब्बा करके नाम है, चमुची बाब्बा, ये दोस्तों आपने देखा रहेगा बहुत बार जब साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस होते थे तभी ओपन करा करते थे, हमेशा दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम में अंदर आते हैं कभी बाहर जाते हैं, इनके साथ ऐसा होता रहता है। और कह सकते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर है, राइटी बैट्समैन है केविन कसुजा, ये भी दोस्तों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर माने जाते हैं, राइटी बैट्समैन है। रहेंगे ऐसे ब्रायन मुडजिंग्या नमया करके इनका नाम है, ठीक है गनमया करके, ये राइटी बैट्समैन है और पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं। रिचमोंड मुतम्बई आएंगे यहाँ से, ये दोस्तों राइटी बैटिंग करते हैं। फिर आएंगे यहाँ से ब्रायन बैनेट, ये राइटी बैट्समैन ऑफ स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ से फराज अकरम, ये मेन प्लेयर माने जाते हैं दोस्तों इस टीम के, शायद इनको कैप्टनसी का रोल भी दिया गया है, अभी तक दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ है कौन कैप्टनसी कर रहा है। लेफ्टी बैट्समैन राइट आर्म मीडियम है। फिर आएंगे यहाँ से नडुलुवु, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं दोस्तों ये भी। केरल मुंबई आएंगे यहाँ से, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तनाका चिवांगा राइट आर्म फास्ट है। फिर यहाँ से आएंगे ताड़ीवंशी नयांगनी करके नाम है इनका, ये दोस्तों अंडर 19 के प्लेयर रह चुके हैं जिम्बाब्वे के, राइट आर्म मीडियम बॉलर है। फिर आएंगे यहाँ से तिनाशे ननहुजिगी, ये दोस्तों राइटी बैट्समैन है। और ये तीन प्लेयर्स हैं ना दोस्तों, इनका रोल पता नहीं चला कौन सा है, इनका रोल है मतलब राइटी बॉलिंग कराते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों, पता नहीं चला इनके बारे में दोस्तों। बहुत टाइम लगा था स्टैट्स निकालने में, मतलब समझ सकते हो आप 1-2 घंटा तो इन्हीं में लग गया था, 2-3 प्लेयर्स के अंदर डेटा निकालने के अंदर। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, प्लस T20 के स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नामीबिया की, इनका स्टैट्स देखो आप। सबसे पहले स्टेफन बराड ने आज तक T20 के अंदर खेले हैं कितने मैचेस, 65 मैचेस, ठीक है ये आप देख सकते हो T20 के स्टैट्स ये है। और कितने रन्स बनाए, किसने बनाए 1455 रन्स, हाईएस्ट 92 उसका T20 के अंदर, 30 प्लस इसने 21 बार करा है, 25 किसके एवरेज है, ठीक है। अब देखो 2020 और 21 के अंदर इसने क्या करा दोस्तों, ये क्यों मैं लिखता हूँ हमेशा, ये रिसेंट फॉर्म होता है, रिसेंट फॉर्म दोस्तों ये दिखाता है कि प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, कैसे दोस्तों टच के अंदर खेल रहा है नहीं खेल रहा। तो देखो यहाँ पे 2020-21 के अंदर इसकी 6 की एवरेज है, 4 मैच के अंदर मात्र 26 रन है, थोड़ा सा दोस्तों कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई अच्छी नॉक खेल जाए यहाँ पर। इस साल तो एक मैच खेला था उसमें 23 रन करा था, और लास्ट ईयर इसने 3 मैच के अंदर कुल मिला के 3 रन बनाए थे। आएंगे एज ए जेन एग्रेन, 41 मैचेस, 15 की एवरेज T20 के अंदर, 344 रन है, 44 है, 30 प्लस 2 बार करा इसने, और 2020 के अंदर 5 मैचेस में 89 रन है, 18 की एवरेज है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो ना स्टेफन बराड ने 65 मैचेस खेले और 30 प्लस है को 21 टाइम्स है, तो दिखाता है दोस्तों जो प्लेयर 30 प्लस स्कोर करता है ना, सब मतलब वो स्टार्ट लेके चल गया था दोस्तों, 65 में से ना 21 बार चला है स्टेफन बराड, तो थोड़ा बेटर प्लेयर है। और जैन ग्रीन की बात कर रहे थे, कीपर बैट्समैन है, 2020 के अंदर 5 मैच खेले, 89 रन है, 18 की एवरेज है। क्रेग विलियम्स आएंगे यहाँ से, 93 मैचेस, ठीक है 25 बार चले हैं, 25 बार 30 प्लस स्कोर्स हैं और 27 के एवरेज, 2000 प्लस रन है, हाईएस्ट 125 है। इस साल दोस्तों कड़क फॉर्म में थे और 2020-21 के अंदर देखो कुल मिला के 8 मैच खेले हैं, 40 की एवरेज है, 269 रन है, ये दोस्तों बहुत ही डिसेंट प्लेयर है और मतलब कह सकते हैं यार अंडर रेटेड प्लेयर माने जाते हैं नामीबिया के अंदर। गेरार्ड एरास्मस आएंगे यहाँ से, इस टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, 74 मैचेस, 30 प्लस 10 बार करा है, 22 की एवरेज है, 1000 प्लस रन है, हाईएस्ट 72 है, बैट फर्स्ट 17, बैट सेकंड 29 की एवरेज है, मतलब बैट सेकंड में बहुत अच्छा करते हैं, नॉट आउट रहते रहेंगे आई थिंक चेस करते हुए। 2021 के अंदर 3 मैच खेले, 77 रन है, 77 की एवरेज है, मतलब समझ सकते हो अब 3 मैच खेल के सिर्फ 1 बार आउट हुआ है, तो नॉट आउट रहते हैं ज़्यादातर। जेजे स्मिथ आएंगे यहाँ से, 48 मैचेस, 43 विकेट्स है, 19 की एवरेज है, 483 रन है, हाईएस्ट 59, 30 प्लस इसने 4 बार करा है, ये भी दोस्तों बहुत डिसेंट प्लेयर है। बैट फर्स्ट 24 है, बैट सेकंड इसका 12 की एवरेज है। 2021 के अंदर 3 मैच खेले, 75 रन, 77 की एवरेज है और इस साल दोस्तों बॉलिंग थोड़ी कमी कराई है। फ्रेंगे यहाँ से कौन, माइचल डूप्रीज, 17 मैच, 34 की एवरेज है, 307 रन, हाईएस्ट 72, 30 प्लस 3 बार करा है, बैट फर्स्ट 27 की एवरेज है, बैट सेकंड इसकी 40 की एवरेज है। 2021 के अंदर 3 मैच खेले और दोस्तों एक भी बार आउट नहीं हुए, साल 3 मैचेस खेल के 62 रन का कुल मिला के इसका। जैन निकोल आएंगे यहाँ से दोस्तों, भी आ सकते हैं, जिनका देखो 14 मैच के अंदर 19 की एवरेज है, 173 रन से 3 विकेट है, हाईएस्ट 40 है, बैट फर्स्ट 15, बैट सेकंड 25 की एवरेज, साल 3 मैच खेले, 24 रन, 1 विकेट है। आएंगे यहाँ से जैन
फ्रेंड लिख करके 50 मैच 52 विकेट है, 485 रन्स, हाईएस्ट 83 है, 30+6 बार करा है, 30 विकेट, मतलब 30 के एवरेज लगभग आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। पर बात वो आती है कि क्या यहाँ पर जिम्बाब्वे इमर्जिंग की टीम इनके टॉप ऑर्डर को आउट कर पाएगी। अगर उसको आउट कर पाती है तो इनकी बैटिंग आना कंफर्म रहेगा। बैट फर्स्ट 40 है, बैट सेकंड 23 की एवरेज है। 2021 के अंदर 3 मैच खेले दोस्तों, 10 रन्स और 10 विकेट है। दिखा दें दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये विद द बॉल। रूबेन ट्रिपलेमैन 5 विकेट से 4 मैचेस के अंदर आज तक T20 के अंदर। बर्नर्ड स्कॉल्ट आप देख सकते हो 98 मैच खेले T20 के अंदर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विनर से 118 विकेट है। 2021 के अंदर इसने दोस्तों सिर्फ 8 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं। पर ये देखो आप, ये देख रहे हो 2020-21 का, ये 8 मैचेस में 6 विकेट 2020-21 मिला के। पर 2019 के अंदर देखो 14 मैच में 22 विकेट था। बेन शिकांगो 17 मैच 15 विकेट से 2021 के अंदर 5 मैच में 3 विकेट। 10 साल दोस्तों डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराई थी। रैंक ऐसे मॉरिटस निगुप्ता का रिंग नाम है, 6 मैचों में 9 विकेट है। अभी दोस्तों ठीक ठाक काम कर चुके हैं। कायरल जी की बात करते हैं, 8 मैचेस में 153 रन्स है, 38 की एवरेज है। इसने दोस्तों डिसेंट काम करके दिया, इस साल तो फॉर्म नहीं है, लेकिन 2020 या 2019 के अंदर दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 2 मैचेस में 16 रन है इस साल। फिर आएंगे यहाँ से माइकल विलिगन, ये दोस्तों आज तक कभी खेले नहीं है T20, लेकिन इसने ODD खेल रखा है। मतलब क्या होता है, वन डे डोमेस्टिक। उसके अंदर दोस्तों पहले मैच के अंदर इसने इंप्रेस करा था, 3 विकेट निकाला था। फिर आएंगे से डेविड नेल, 7 विकेट से 10 मैचेस के अंदर। पिके या फ्रांस का 39 मैचेस के अंदर 583 रन, हाई 62, 30+7 बार है, 5 विकेट है। 2020 के अंदर इसने लास्ट टाइम खेला था 4 मैचेस में 22 रन, 7 की एवरेज थी। स्टार्टिंग ओवर बेन शिकांगो, जेन फ्रेंलिक, जज स्मिथ। डेथ ओवर में आएंगे से बेन शिकांगो, जेन फ्रेंलिक और यहाँ से जज स्मिथ और यहाँ से कौन ट्रिपलेमैन भी आ सकते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अब जिम्बाब्वे इमर्जिंग की बात करते हैं तो ब्रायन चेरी 31 मैच खेल चुके हैं, 30+10 बार करा है, मतलब 1/3 इसके चलने की रेशियो है, 26 की एवरेज है और 763 रन है, हाईस्ट 93 है, बैट फर्स्ट 29, बैट सेकंड 22 की एवरेज है। 2021 के अंदर 5 मैच खेले, 164 रन है, 33 की एवरेज है। इस साल दोस्तों के यहाँ पे एक कौन सी जिम्बाब्वे प्रो T20 चैंपियनशिप होती है, उसके अंदर दोस्तों ने परफॉर्मेंस दिया था। चमू चिबाबा 88 मैचेस एक्सपीरियंस इनके पास अच्छा खासा, 25 की एवरेज है, 2000+ रन से यहाँ पे आज 36 से 30+26 बार करा है, बैट फर्स्ट 30, बैट सेकंड 21 की एवरेज है। 2021 के अंदर 5 मैचेस में 136 रन है, 34 की एवरेज है। केविन गसूजा, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, 33 मैच खेले, 30+7 बार है, 20 की एवरेज है, 570 रन, साइज 55 है, बैट फर्स्ट 18, बैट सेकंड 22 की एवरेज है। और ये डोमेस्टिक सर्किट के अंदर ना अपनी टीम की कैप्टनसी करा करते थे, मतलब क्या हो जो डोमेस्टिक फॉर्मेट होता है ना उसके अंदर ये कैप्टनसी करा करते थे वहाँ पर। 2021 के अंदर 4 मैच में 123 रन, 31 की एवरेज है। फिर आएंगे से ब्रायन मुडिजिंगन मया करके नाम है इनका, 18 की एवरेज, 8 मैचेस के अंदर 148 रन है, आई 62, 30+2 बार है। तो इनका दोस्तों बैट फर्स्ट अच्छा परफॉर्मेंस है, 31 की एवरेज है, बैट सेकंड मात्र 14 की एवरेज है। 2021 के अंदर 5 मैचेस 76 रन है और 15 की एवरेज है। तो इस साल दोस्तों इतना खास कुछ करा नहीं था, एक ही मैच के अंदर लास्ट ईयर कुछ इसने एक बढ़िया नॉक खेली थी। रिचमोंड मतुम्बनी 68 मैच 19 की एवरेज है, हमेशा दोस्तों ये भी जिम्बाब्वे की टीम के अंदर अंदर बाहर आते रहते हैं, 962 रन है, 58 है, मतलब जिम्बाब्वे वगैरह होता है ना उसके अंदर, 30+12 बार करा है। 2021 के अंदर 7 मैच में 131 रन से 22 की एवरेज है। ब्रायन ज़ेड बेनेट दोस्तों जिम्बाब्वे के अंडर-19 प्लेयर है, 2016 के अंदर इसने अंडर-19 खेला था, अब तो दोस्तों 18+ इसकी एज हो चुकी है, तो बढ़िया प्लेयर है, टेक्निकल साउंड प्लेयर है एक तरीके से, मतलब ऐसा कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा था। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर देखो फराज अकरम 8 मैचेस के अंदर T20 के अंदर 3 विकेट है, 18 रन है, 2021 के अंदर 3 मैच में 2 विकेट है। एंसले नडुलोगु 15 में 17 विकेट है, 2021 के अंदर 5 मैच में 8 विकेट है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के अंदर। कैरल मुंबा 9 मैच के अंदर 5 विकेट है, 2021 के अंदर 4 मैच में 2 विकेट है। तनाका चिवांगा 4 में 4 विकेट है, दोस्तों अच्छे बॉलर माने जाते हैं, इनके पास गति है और इनका एक्शन भी दोस्तों बढ़िया एकदम रिदमिक। तड़ी वंशे न्यानगी, इसने दोस्तों ODD के अंदर 3 मैच खेले, 3 विकेट से, और दोस्तों ये प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं मिले, एक तो पहला नाम आपको बताऊंगा किसका, ये देख रहे हो आप, मतरयांकी करके नाम है इनका। फिर दोस्तों से ब्रायन बेनेट है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैथ्यू वेल्च और यहाँ पे स्टेवन सॉल करके। दोस्तों 4 प्लेयर्स के स्टैट्स दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करी और मैं दोपहर के अंदर भी दोस्तों बैठ के कोशिश करूंगा कि 4 प्लेयर के स्टैट्स मैं कैसे भी करके निकाल लूँ क्रिक कैच वगैरह की वेबसाइट से, ठीक है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों अपन डेटा निकालने की, और दोस्तों अगर आपको भी डेटा मिलती है तो आप कमेंट करके बता देना कि दोस्तों आप, मतलब वही कहता हूँ आपको हमेशा कि अपन साथ में खेलेंगे दोस्तों,
जो होगा दोस्तों मैंने आपको पूरी कोशिश करी आपका हर प्लेयर के डेटा निकालने की। अब देखो सर तनाशी जी की बात करते हैं, 5 मैचेस में 47 रन। सो स्टार्टिंग ओवर फराज अकरम डालेंगे, तनाका चिवांगा डालेंगे और यहाँ पे कारल मुंबा। डेथ ओवर में यहाँ से फराज अकरम, तनाका चिवांगा, कारल मुंबा। चलते हैं यहाँ पे जब इस स्वर्णिक पर मैचेस में तो क्या हुआ है। देखो यहाँ पे नामीबिया ने ही खेला सिर्फ, जिम्बाब्वे यहाँ पे आई नहीं आज तक। स्टेपिन बराड 9 मैचेस में 129 रन है, 16 की एवरेज है। बैट फर्स्ट है 54, 26, 23, 7, 5, 0, 0, बैट सेकंड 14 है। आएंगे यहाँ से विलियम्स, क्रैग विलियम्स 21 मैच 19 के एवरेज है, 351 रन है। इसी साल दोस्तों 81 करा था बैट फर्स्ट करते हुए, फिर 52, 12, 10, 9, 4, 2, 1, 1, 0, 0, बैट सेकंड 42, 25 नॉट आउट, 21 नॉट आउट, 21, 18, 17, 14, 9, 8, 4, 0 और 8 विकेट इसके स्वैनी के ऊपर। गेरहर्ड एरमस 11 मैच 142 रन, 24 की एवरेज है। बैट फर्स्ट 11, 8, 4 नॉट आउट, 4, 1, बैट सेकंड 62 नॉट आउट, 30, 11 नॉट आउट, 11। जेज स्मिथ 6 मैच 89 रन, 44 की एवरेज, 2 विकेट्स है। हर बार बैट फर्स्ट करा है इसने यहाँ पे 40, 35 नॉट आउट, 40 नॉट आउट, 0। माइकल मिलिंगन नहीं खेले, जैन निकोला यहाँ पे खेल चुके हैं, 18 रन 1 विकेट है। बैट सेकंड 6 रन और विकेटलेस है बॉल सेकंड। जैन फ्रैनली का यहाँ पे 3 मैचों में 5 विकेट है, 10 रन है। जेने ग्रीन 38 रन है बैट फर्स्ट करते हुए। बर्नार्ड स्कॉल्स के यहाँ पे 19 मैचेस के अंदर 11 विकेट्स है, 9 मैच के अंदर विकेटलेस गए। बेन शिकोंगो का यहाँ पे कुल मिला के 3 मैचेस के अंदर 5 विकेट है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो किसका, माचल डुप्लेसिस का बढ़िया परफॉर्मेंस है, 3 मैच खेले हैं और दोस्तों उसमें से 2 ही बार बैटिंग करने का मौका मिला है। 32 नॉट आउट बैट फर्स्ट है, 29 नॉट आउट वाइल्ड चेसिंग है। पिकी फ्रांस का यहाँ पे 5 मैचेस में 98 रन है। अब देखो यहाँ पे कॉमन कैप्टन जेजे स्मिथ और गेरहर्ड एरमस दिखेंगे, बड़ी लिस्ट में इसको बनाना दोस्तों, बनाओ जेजे स्मिथ को, गेरहर्ड एरमस को और यहाँ पे जैन फ्रेलिंग भी बहुत स्पेशल हो सकते हैं और चमुची बाबा, ये 4 दोस्तों मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स अलग जाना है। तो ब्रैन चारी, क्रैग विलियम्स को ट्राई करना, ठीक है। अब बात रहे दोस्तों यहाँ पे टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स। यहाँ पे दोस्तों कैप्टन है जे स्मिथ, यहाँ पे दोस्तों मैं शायद फाइनल टीम के अंदर जे फ्रेंडली को ही कैप्टन कर दूँ, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो चिबाबा हो गए, ब्रैन चारी हो गए, यहाँ से मुदुम्बनी, यहाँ से स्मस, यहाँ से स्कॉट्स करके हैं, ये शिकांगो है, ये अच्छी गेंदबाज है, यहाँ से चिवांगा दोस्तों क्रेडिट सीवर के तौर पर मैंने ले रखा है। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, वो कहूँगा रिस्क लेने से नहीं डरना है दोस्तों पहली बात तो। अब यहाँ से देखो ये मेरे हिसाब से बहुत बेटर विकल्प है, अब यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, अगर ये ओपन करते हैं जेने ग्रीन या फिर यहाँ से या आपको माइकल डुप्लेसिस दिख रहे हैं, ये दोनों से कोई भी टॉप ऑर्डर में खेलेगा तो अपन उसको प्रीफर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्टेफन ब्राड दोस्तों एक ठीक ठाक प्लेयर है, फॉर्म दोस्तों कंसर्न है इसका। ब्रायन चारी ये भी दोस्तों बहुत नाम है इनका, और इससे केविन कसाउजो भी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं आपके लिए, इसको भी दोस्तों आपको ट्राई करना है। फिर चलते हैं यहाँ पे जैन फ्रेंडलिक की तरफ, इंपॉर्टेंट है, फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, जनता ने इसको ले रखा है यार। ब्रायन मुडजिंगन गया करके नाम है इनका। फराज अकरम ये दोस्तों ज़्यादा अच्छे विकल्प होते हैं मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के अंदर। बैनेट भी दोस्तों ऐसे अच्छे विकल्प होते हैं, ये थोड़े से इमर्जिंग प्लेयर माने जाते हैं दोस्तों, टीम का नाम इमर्जिंग है लेकिन दोस्तों थोड़े से सही तरीके से अंडर 13 के प्लेयर थे पहले, अभी अंडर 18 या अंडर 19 के लिए खेलते हैं, तो दोस्तों एक्सपीरियंस प्लेयर है। आएंगे यहाँ से कारल मुंबा, ये भी दोस्तों ठीक ठाक फील आप ट्राई कर सकते हो, क्रेडिट की दोस्तों दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने इसको ले रखा है और इसको ले रखा है, और ऐसे नडुलू को ले सकते हो, ज़्यादा बेटर विकल्प रहता जैसे मुंबा के बदले आप यहाँ पे नडुलू पे ध्यान देना, और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने चिवांगो को लिया, ये भी दोस्तों हमेशा जो आपको पता रहेगा बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे का एक प्रैक्टिस मैच होता है, उसके अंदर दोस्तों उसने परफॉर्मेंस दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। और दोस्तों आप चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड दिल से शिद्दत से दोस्तों काम करके दूंगा हमेशा, जैसे मैं आपको देता हूँ। और दोस्तों लाइफ में कुछ आपको वही कहूँगा कि दोस्तों कुछ ऐसा करके दिखाओ दुनिया दोस्तों, मतलब कि आपको क्या यार इस बंदे जैसा बनना है, ठीक है। तो टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस।